खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से है, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सत्ता पक्ष पर धांधली का आरोप लगाते हुए नौझील ब्लॉक से पराजित हुए प्रत्याशी योगेश कुमार ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने प्रशासन पर सत्ता के दबाव में उन्हें जबरदस्ती हराने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता के दौरान योगेश कुमार उर्फ भूरा पंडित ने कहा कि पहली बार हुई काउंटिंग में उन्हें 2 मतों से विजयी घोषित किया गया और 5वीं बार हुई काउंटिंग में उन्हें पराजित घोषित कर दिया। और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में मुझे 4 बार मेरी रिकाउंटिंग कराई गई। रिकाउंटिंग कराने के बाद 5वीं बार मुझे चुनाव हरा दिया गया। मेरे सामने जो प्रत्याशी थी वो भाजपा के बड़े नेता की पत्नी थी। शासन और प्रशासन की मिली भगत से मेरी रिकाउंटिंग बार बार कराई गई और शासन और प्रशासन का केवल एक ही लक्ष्य था, एक ही ध्येय था कि तब तक जो है भूरा को जो है चुनाव नहीं हार जाएगा, तब तक हम लोग जो है काउंटिंग कराते रहेंगे। अब क्या मांग है आपकी? मेरी यही मांग है, मुझे जो है न्याय मिलना चाहिए और मेरी जीत जो 4 बार मेरी जीत की घोषणा हुई है वो मुझे जीत जो है सुनिश्चित चाहिए। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी योगेश कुमार ने प्रशासन पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सत्ता पक्ष पर धांधली करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन ये ठान कर बैठा था कि जब तक सुमन चौधरी जीत नहीं जाती तब तक बार बार काउंटिंग कराते रहेंगे, लेकिन प्रशासन अपनी मंशा में कामयाब हुआ और षड्यंत्र के तहत उन्हें हरा दिया गया। उन्होंने कहा कि वे न्याय चाहते हैं और वे न्याय की लड़ाई को जब तक लड़ेंगे तब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। इस दौरान पत्रकार वार्ता में जिला पंचायत सदस्य हरि सरपंच, पप्पू प्रधान राम नगला, प्रवीण पाठक मथुरा, बाल बिहारी शर्मा, ललित प्रमुख जरेलिया, हुकुम शर्मा बाजना, मुकेश भारद्वाज नौझील, अनूप प्रमुख खाजपुर, सीताराम प्रधान, शमी चौधरी पारसोली, संतोष पारसोली, भरत लाल चतुर्वेदी, ब्रजेश प्रधान बागरा आदि लोग मौजूद रहे।